जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग अब सी एस सॉफ्टवेयर कंपनी पर बात करेंगे। देखिए पिछले दिनों जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था 4-5 दिन पहले, तो बताया था कि अभी एक कंसोलिडेटेड रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, अब इसके बाद होगा धमाका। और फाइनली इस शेयर में धमाका हो गया, कहने का मतलब कि अब इसमें अपर सर्किट लगा है और शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में अब हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कहीं ये अपर सर्किट सिर्फ हमें फंसाने के लिए तो नहीं लगा है, या यह कुछ दिनों तक बना रह सकता है? और वो लोग जिसमें फंसे हुए थे, क्या उन्हें निकल जाना चाहिए या फिर इसमें समय देना चाहिए? इन्हीं सब मुद्दों पर इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में बात होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे मार्केट कैप से। हमेशा एक तरह देखिए, मार्केट कैप इसका 690 करोड़ का हो गया, लगभग 700 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का इतना हो गया है। और शेयर प्राइस देखेंगे 4 रुपये है। ग्राफ में देखिए अभी काफी दिनों के बाद इसमें ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। बहुत दिनों से इसमें सिर्फ रेड पोर्टफोलियो में से रेड निशान में चल रहा था, लेकिन जब अपर सर्किट लगा है तो शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है और अभी इसका जो सिग्नल है ग्रीन हो गया है। हाई लगा चुका है 8.5 रुपये का और यह 52वीं का हाई है, तथा यह आया था इसी साल 18 जनवरी को। 18 जनवरी को हाई लगाने के बाद शेयर प्राइस नीचे की तरफ जाने लगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो 3.75 रुपये तक आने के बाद यह एक कंसोलिडेटेड रेंज में ट्रेड करने लगा था। 3.75 रुपये से लेकर 3.45 रुपये इसी के बीच में ट्रेड कर रहा था पिछले कई दिनों से। तो फाइनली अब 4-5 दिन पहले जाकर इससे बाहर निकला है। और मैंने बताया भी था कि जब एक कंसोलिडेटेड रेंज में ट्रेड कर रहा है तो इसके बाद धमाका होगा, क्योंकि देखिए अक्सर देखा जाता है जब कोई शेयर एक कंसोलिडेटेड रेंज में ट्रेड करने लगता है तो उसके बाद उसमें अच्छा खासा बूम देखने को मिलता है। तो फाइनली इसमें अपर सर्किट लगा और शेयर प्राइस सुपर की तरफ जा रहा है। जब शेयर प्राइस सुपर की तरफ जा रहा है तो देखेंगे एक सप्ताह का रिटर्न इसका 12.68% पॉजिटिव में आ गया है, जबकि एक माह का रिटर्न देखिए 18% ही लगभग निगेटिव में रह गया है। जबकि पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो लगभग 42% के आसपास इसे निगेटिव में था। और जैसे जैसे शेयर प्राइस ऊपर जाते जाएगा, एक माह का रिटर्न भी यह पॉजिटिव में आ जाएगा। हालांकि 3 माह का रिटर्न और 1 साल का रिटर्न कंपनी का अभी भी पॉजिटिव में है। 1 साल में देखेंगे तो लगभग 400% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। अब यहाँ समझिए, जब अपर सर्किट लगा है, शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, तो वॉल्यूम इसमें अच्छा खासा क्रिएट होने लगा है। एक माह में देखिए, पहले जब अपर सर्किट नहीं लगा था, लोअर सर्किट में था, लोअर सर्किट नहीं भी लगा था, फिर भी एक माह में सिर्फ 70 लाख वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। हालांकि 70 लाख कुछ कम नहीं है, लेकिन जब तेजी आना शुरू हुआ तो सिर्फ एक सप्ताह में देखेंगे 40 लाख का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। और जब अपर सर्किट लगाया तो देखिए सिर्फ एक दिन में ही लगभग 40 लाख का अपर इसमें वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। वॉल्यूम जितना ज़्यादा क्रिएट होता है किसी शेयर्स में, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए उतना अच्छा या मतलब पॉजिटिव साइन होता है। माना जाता है कंपनी में कामकाज अच्छा चल रहा है, इसमें तेजी आने की उम्मीद रहती है, इसलिए वॉल्यूम किसी भी कंपनी में अच्छा खासा होना चाहिए। अब समझिए, ये लोग हैं जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपर सर्किट लग जाए तो खरीदने के लिए बेचैन हो जाते हैं और जब लोअर सर्किट लगता है तो बेचने के लिए बेचैन हो जाते हैं। अभी इसमें अपर सर्किट लगा है तो देखिए इसमें लगभग 20 लाख लोग इस कंपनी के शेयर को बाई करना चाहते हैं, जबकि इनको पता है कि अपर सर्किट में यह कंपनी का शेयर बाई नहीं कर पाएंगे, फिर भी अभी खरीदने के लिए इसमें ऑर्डर डाले हुए हैं। ये वो लोग होते हैं जो पहले से सोच कर नहीं आते कि इस स्टॉक में कितना समय के लिए आना और कितना समय तक इसमें बना रहना है। इन्हें बस शेयर प्राइस के मूवमेंट से मतलब होता है, मूवमेंट अच्छा खासा रहा तो खरीदने के लिए पागल हो जाएंगे और अगर मूवमेंट गड़बड़ाया तो निकलने के लिए बेचैन हो जाएंगे। तो खैर इनसे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ मार्च माह में इस कंपनी के टारगेट क्या रह सकते हैं। तो समझिए, अभी शेयर प्राइस सुपर की तरफ जा रहा है, तो अगर अब ट्रेंड बरकरार रहा, क्योंकि देखिए शेयर बाजार में कुछ फिक्स नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, ऊपर जा सकता है 5.24 रुपये तक। दूसरा अप ट्रेंड टारगेट है 7.70 रुपये और इस मंथ के लास्ट तक यह शेयर 10 रुपये के आसपास जाते हुए दिख सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तब। हालांकि 10 रुपये नहीं भी जाएगा, फिर भी 7-8 रुपये के लेवल तक आराम से जा सकता है। और अगर शेयर प्राइस डाउन ट्रेंड में चला गया, शेयर प्राइस नीचे जाने लगा, तब इसका डाउन ट्रेंड टारगेट रहेगा 1.74 रुपये और दूसरा इसका टारगेट रहेगा 51 पैसा। हालांकि 51 पैसा तक यह शेयर नहीं आएगा, क्या लगता है 4 रुपये से टूट कर 51 पैसा आ जाएगा? इतना बुरा दिन तो इसके नहीं आने वाले, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, जो फंडामेंटल है, उसके हिसाब से कंपनी बहुत नहीं फिर भी ठीक ठाक है। यहाँ समझेंगे, इसका RSI देखिए 41 के आसपास आ गया, जबकि पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाया था तो उस समय RSI 25 आ गया था। तो मैंने कहा था कि अब RSI इससे नीचे नहीं आएगा, कोई रीजन ही नहीं है। RSI 25 के आसपास आ गया और एक माह का रिटर्न लगभग 50% एक माह में शेयर टूट चुका है, तो फिर क्या रीजन बचता है कि शेयर प्राइस नीचे आएगा? इसलिए इसमें अपर सर्किट लगना जरूरी था, अपर सर्किट लगा और अभी RSI 40 के आसपास आ गया है। अब आप ध्यान देंगे कि अगर RSI 56 के पहले टूटकर नीचे आने लगा तब दिक्कत हो जाएगा। अगर RSI 56 के लेवल को पार नहीं करता है और नीचे आ जाता है तब आप इसमें से क्या कीजिएगा, एग्जिट कर लीजिएगा, निकल जाइएगा। अगर आप जरूरत का रुपये लगा दिए, थोड़ा निकलना चाह रहे थे, तो अभी आप निकल सकते हैं, या एक काम ये कर सकते हैं कि आप एवरेजिंग कर सकते हैं, दोनों रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। अब समझिए, अभी इस कंपनी के शेयर्स को 100% एनालिस्ट बाई करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब 100% लोग कह रहे हैं कि हाँ अभी बाई कर लीजिए, मौका है, कंपनी ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो प्रमोटर्स, गवर्नमेंट और पब्लिक तीनों की हिस्सेदारी है, और जिस कंपनी में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है उस पर भरोसा थोड़ा बढ़ जाता है। अब समझिए, ये पॉइंट आप समझ गए। बाकी देखिए, इस कंपनी का फंडामेंटल कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है, पेनी स्टॉक के हिसाब से फंडामेंटल जैसा है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। देखिए यह जिस तरह का बिजनेस मॉडल है कंपनी का और जिस हिसाब से फंडामेंटल है, कंपनी आने वाले समय में ग्रो कर सकती है, लेकिन साल भर में अगर आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा कमा कर देगा तो ऐसा नहीं है। साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसों को 3 से 4 गुना कर सकता है, इससे ज़्यादा इससे आप अपेक्षा मत कीजिएगा। आप अगर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा आपको सुझाव रहेगा कि हैवी अमाउंट इस पेनी स्टॉक में, किसी भी पेनी स्टॉक में, भले चाहे कितना
भी स्ट्रॉन्ग हो फंडामेंटली आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, और करना भी चाहते हैं तो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने दीजिए। क्वार्टर फोर का रिजल्ट अगर अच्छा आता है तब आप इसमें अपने रिस्क लेंगे कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत अमाउंट, मतलब एक अच्छा अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नया है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, अभी मौका है। लेकिन जो भी करना हो आप अपनी रिसर्च और एनालिसिस उसके पहले जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और मैंने ये भी बता दिया कि जो लोग इसमें फंसते हुए उनको क्या करना चाहिए, या तो एवरेजिंग कर सकते हैं या उसमें इससे बाहर निकल सकते हैं, आपके लिए दोनों मौका खुला है। इसके अलावा अगर कोई सवाल है जो इस वीडियो में नहीं बता पाए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा मैं जो बताना चाह रहा था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।